हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का 2024 का फाइनल ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है जो कि 2024 में फाइनल ईयर में जो पूछा हुआ था सवाल था वो आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहाँ पर बस सिर्फ टाइपिंग हम करवाए हैं, बाकी जो क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ताकि आप इसी के अनुसार आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और आपको बता देते हैं कि मैथ का भी मिल जाएगा और सामाजिक विज्ञान का, ये साइंस का भी आपको क्वेश्चन पेपर 2024 का फाइनल ईयर का मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह 2025 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो आप क्वेश्चन चाहते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमें बताए कीजिए कमेंट करके और उसको जल्द पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन सा था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कुलीन वर्ग। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 1834 में प्रशा का पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जलवारैन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था। तो चार ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, जर्मन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। चार ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए बी, और दो ऑप्शन आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है, फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या कहता है, 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिला आंदोलन गुंडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुंडेम भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन है, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें लिखा हुआ अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसमें लिखा हुआ है भारत से अफ्रीका का निर्यात कहाँ किया जाता है। ठीक है, भारत से अफ्रीका का निर्यात कहाँ किया जाता है। चार ऑप्शन है और इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, चीन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन लिखा हुआ है। देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बाकी का भी ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सी डी। ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद आगे बढ़े हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर एट है लिखा हुआ है मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौ। नौ में लिखा हुआ है गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो है बाइबिल। क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टेन। इसमें लिखा हुआ है भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, पुर्तगाली मिशनरी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग्यारह। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन आपको बताते हैं पेट्रोलियम, जल, और इनमें से
कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, तो जल, ठीक है, जल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संभावी संसाधन। क्लियर है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लद्दाख। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये रहा चार ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 2002। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, अरेबिका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। क्लियर है, इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या कह रहा है, मरमुगांव पतरन भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है, अब पतरन पतन है, ठीक है, तो मरमुगांव पतन भारत के किस राज्य में स्थित है, तीन ऑप्शन यहाँ पर है और बाकी का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, तो ये रहा एक और ऑप्शन जो कि गुजरात लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है, तो वो है संघीय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और बताया कीजिए कि और आपको किस सब्जेक्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो जल्द आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर या फिर हो गया NDA CDS, वो सब आपको मिलेंगे, टोटल चीज़ मिलेंगे, इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें लिखा हुआ है अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन आप रीड कर लीजिए, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की, तो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, जल समझौता, व्यापार समझौता और कृषि समझौता, चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन इसका जो डी है वो है शांति समझौता, ठीक है, तो शांति समझौता इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी समस्या व्यापक हो चली है, ठीक है, तो विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है, ये इसका ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसमें से सभी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी ये सही है, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है, स्वर्गीय कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही, बहुजन समाज पार्टी। क्लियर है। तो ये था दोस्तों 2024 का फाइनल ईयर का पूछा हुआ सवाल। इसी तरह से विज्ञान का और मैथ का भी इस चैनल पर अपलोड किया हुआ, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और टेंथ क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आपको चाहिए तो हम जल्द आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।